अल्लाह कायनात को जाहिरी हुकूमत मिली है और आपने दारुल हुकूमत कूफे को बनाया है, तो आप कूफे में तशरीफ लाए। पहली रात है जनाब अमीर को कूफे में, जनाब अमीर खड़े होकर चौकीदार को आवाज दे रहे हैं, चौकीदार फला फला फला, मगर चौकीदार सो रहा था। आपने बड़ी आहिस्ता से कहा सो रहा था। जानते हैं क्यों कहा आहिस्ता से? क्योंकि आपसे ज्यादा तजर्बा किसी को नहीं है कि जब चौकीदार सोता है तो क्या होता है। चौकीदार का यह कहना क्या ज़कात भी बढ़ती है, पुरानी तमाम शख्सियतों का एक्सरे कर गया और वो बता गया कि पुराने वालों में और अली में फर्क यह है, पुराने वाले बांटने आया है। हयात बांटना, मैं यही तो कहता हूं मुफ्ती तारिक मसूद होश में आ और अली की दुश्मनी पे आगे ना बढ़, इसलिए कि मौला की दुश्मनी के लिए कम से कम शर्त यह है कि मौला से दुश्मनी वो करे जो कम से कम यजीद हो, और यजीद होने के लिए शर्त यह है कि अम्मा एक हो अब्बा अनेक हो। कूफे को उठाऊंगा, अगर तेरे उठाने से पहले, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि किसी की कोई गारंटी ताए तो खुलूस पैदा होता चला जाता है। अच्छा, इसी जमाने में गारंटी नहीं या पुराने जमाने में नहीं? पुराने जमाने में भी नहीं थी। तारीख में मिलता है कि जब मौला कायनात को जाहिरी हुकूमत मिली है और आपने दारुल हुकूमत कूफे को बनाया है, तो आप कूफे में तशरीफ लाए। पहली रात है जनाब अमीर को कूफे में, आधी रात ढल गई है, रात के ढाई तीन बजे हैं, आधी रात का तर्जुमा ढाई तीन कर रहा हूं। आप अपनी जगह से उठे और दारुल हुकूमत तशरीफ लाए कि जहां से पूरी हुकूमत चलती थी। आपने आके वहां दक्कुल बाप किया, पहले आवाज दी फला फला फला। अब ये बताइए कि रात के ढाई बजे आदमी दरवाजे पे खड़े होकर किसे आवाज देगा? उसी को देगा जो जाग रहा हो, और रात के ढाई बजे जागेगा कौन? चौकीदार। जनाब अमीर खड़े होकर चौकीदार को आवाज दे रहे हैं, चौकीदार फला फला फला, मगर चौकीदार सो रहा था। आपने बड़ी आहिस्ता से कहा सो रहा था। जानते हैं क्यों कहा आहिस्ता से? क्योंकि आपसे ज्यादा तजर्बा किसी को नहीं है कि जब चौकीदार सोता है तो क्या होता है। हमसे ज्यादा तजर्बा किसी को नहीं है कि अगर चौकीदार सोता है तो क्या होता है। हमसे पूछो, मुल्क का चौकीदार सो जाए तो मुल्क बर्बाद हो जाता है, जिले का चौकीदार सो जाए तो जिला बर्बाद हो जाता है, स्टेट का चौकीदार सो जाए तो स्टेट बर्बाद हो जाता है, खानदान का चौकीदार सो जाए तो खानदान बर्बाद हो जाता है। सो हो जाता है कि नहीं? शहर का चौकीदार सो जाए तो शहर, घर का चौकीदार सो जाए तो घर बर्बाद हो जाता है, और अगर अकीदे का चौकीदार सो जाए तो आखिरत बर्बाद हो जाती है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आखिरत बर्बाद हो जाती है। कब्र के बाहर क्यों कर ले तेरी कब्र के अंदर, बिखर के नहीं मिलके। चौकीदार सो गया, चौकीदार सो गया, जनाब अमीर ने दक्कुल बाप किया, उसने दरवाजा खोला। अब एक जुमला कह रहा हूं, चौकीदार पुराना था अली नए थे। इस जुमले को याद रखिएगा, चौकीदार पुराना था अली नए थे। उसने दरवाजा खोला, रात के ढाई तीन बजे जनाब अमीर खड़े, आंखें मलता हुआ आया, मौला आप हमें आए? बोला क्यों आए? फरमाया ज़कात आई थी। मैं, मुझे कोई हैरानी नहीं है क्योंकि लफ्ज ज़कात और खून सुने हुए कौम को बहुत दिन हो गए, और जो सुनते हैं वो वैसे अनसुना कर देते हैं। क्या ज़कात आई थी? उसने कहा मौला अभी उतरवा के गए, बस अभी उनके जाने के बाद ही मैं सोया हूँ। अली ने कहा मैं इसीलिए आया हूँ, चौकीदार पुराना था अली नए थे। उसने कहा मौला मैं समझा नहीं, ज़कात आई है आप आए? का इसलिए आया हूं ताकि ज़कात मुस्तहकीन में तकसीम करूं, ज़कात आखिरी आदमी तक, ज़कात मुस्तहकीन में तकसीम करूं, जिनका हक है उनमें तकसीम करूं अभी। तो उसने हैरत भरी निगाहों से अली का चेहरा देख के कहा मौला क्या ज़कात भी बटती है? आखिरी आदमी तक मौला क्या ज़कात बटती है? क्या ज़कात भी बढ़ती है?
चौकीदार का ये कहना क्या ज़कात भी बढ़ती है, पुरानी तमाम शख्सियतों का एक्सरे कर गया और वो बता गया कि पुराने वालों में और अली में फर्क ये है, पुराने वाले काटने आया है। पुराने वाले बटोरने आए थे, अली दुनिया में जितना अली ने बांटा किसी ने नहीं बांटा, दुनिया में जितना अली ने बांटा किसी और ने नहीं बांटा। अल्फाज बदल रहा हूं, दुनिया में जितना अली बांट रहे हैं दुनिया में जितना अली बांटेंगे कोई नहीं बांटेगा। अली पैदा ही बांटने के लिए हुए, अली पैदा ही बांटने के लिए, तकदीर बांटना अली का काम, इज्जत बांटना अली का काम, मुकद्दर बांटना अली का काम, रिस्क बांटना अली का काम, हयात बांटना। मैं यही तो कहता हूँ, मुफ्ती तारिक मसूद होश में आ और अली की दुश्मनी पे आगे ना बढ़, इसलिए कि मौला की दुश्मनी के लिए कम से कम शर्त यह है कि मौला से दुश्मनी वो करे जो कम से कम यजीद हो, और यजीद होने के लिए शर्त यह है कि अम्मा एक हो अब्बा अनेक हो। जो दिल से नारा लगाएगा दिल की मुराद पाएगा। अली की मोहब्बत बाप की विरासत से नहीं माँ की शराफत से आती है। नारे वाह, बया कुछ भी हो अंदाजे बया अच्छी नहीं होती, और अबू तालिब के बच्चे से जो बच्चा बुस रखता हो नबी कहते हैं उस बच्चे की माँ। दुश्मनी आसानी से नहीं मिलती, आले मोहम्मद की दुश्मनी के लिए पहले अम्मा का बदकिरदार होना जरूरी है। तू बकवास कर रहा है बैठ के, जनाबे अमीर के लिए जबान खोल रहा है, अपनी शक्ल देख और फिर बोल। तू जो बकवास कर रहा है कि अजीबो गरीब भी मुलाकात उसने वो कलमात कहे जो हम अपनी जबान से दोहरा भी नहीं सकते, फकीर को बेटी देना नहीं चाहिए के खिलाफ कर रहे हो, पहले सोचो कि ये भी ऐलान करो कि ताकि तारीख से पर्दा तो उठे कि किन किन फकीरों की बेटियां। अमीर की दुश्मनी का तौक अपने गले में डाल, आप आगे बढ़िए। का क्या का मैं ज़कात बांटने आया, उसने कहा मौला आप कहां, अभी बांटूंगा। क्या ज़कात बांटती है, का बांटती है इसीलिए तो आई है, बांटूंगा कब। उसने कहा मौला एक बात कहूं, मौला ने कहा कहो। कहा मौला मैं तो नौकरी खराब की, कोई बात नहीं आपने मेरी भी कर दी। तो मौला ने कहा फिर क्या करूं। कहा मौला ऐसा मैं आपको भी उठाऊंगा उन्हें भी उठाऊंगा, इतनी नाम से काम सुबह मुझे भी उठाएगा उन्हें भी उठाएगा, सुबह ज़कात बांटेंगे। कागज और कलम लेके आ, तारीफ था जो मासूम के कागज और कलम मांगने पर दे दिया। मासूम के कागज और कलम मांगने पर दे दिया, शरीफ के मुकाबले में क्या होता है।
कि जो कागज और कलम दे रहा है, तो जो नहीं देगा उसे तो खबीसी कहे। खबीस था जिसने नहीं दिया कागज और कलम लिखा है। कह रहा मौला फहरिस्त भी सुबह बनाएंगे, मौला तक जिंदा रहोगे। एक दिया कागज लिखा, वाह मैं कैसे लिख दूंगा मैं सुबह तक जिंदा रहूंगा, हो सकता आप इधर निकले मैं उधर निकल जाऊं। मौला ने कहा वाह अपनी गारंटी नहीं है, पूरे कूफे को उठाऊंगा अगर तेरे उठाने से पहले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि किसी की कोई गारंटी नहीं।